किसी को कहीं भी कोई किडनैपर नजर आए तो बिना पूछे गोली मार देना। चलो चलो चलो। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। मेरा मतलब पुलिस आ गई। पुलिस आ गई है सर। हाँ घबराइए मत। चलिए उठिए। आराम से चलिए उठिए। सर थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड कि आप लोग यहाँ पर आ गए। सर लेकिन आप लोग को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से। चलिए अभी आप यहाँ से चलिए, आप सभी सेफ हैं। हाँ हमें बाकी लोगों को भी छुड़वाना है। चलिए। हाँ हाँ यहाँ पे और भी कई लोग किडनैप हुए। चलिए संभाल के चलिए आप। संभाल के आइए। कोई बात आइए सब लोग। सर जी ये बात समझ नहीं आई, इन्हें छोड़ क्यों दिया? क्योंकि इनका इस लोकेशन का खेल यहीं तक था, आगे का खेल पुलिस स्टेशन में होगा। ओए होए चालाक तो बहुत हो आप। चले सर। 2 साल पहले रघु यहां एक मर्डर केस में आया था, पर अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पे रिहा हुआ है। अच्छा यहाँ से रिहा होकर गया किधर? वो तो भगवान ही जाने सर। जब रघु यहाँ जेल में था उससे मिलने कोई आता था? एक नहीं दो दो रखा है। उसकी पत्नी कुसुम के अलावा चंपा नाम की लड़की उससे मिलने के लिए यहाँ आती थी और वो बहुत पैसे वाली थी। चंपा पैसे वाली है, तुम्हें कैसे पता? सर चंपा जब भी रघु से मिलने आती थी ना तो कैब बुक करके आती थी और 1,000-2,000 रुपया रघु को देकर जाती थी। रघु को कब से जानती हो? कहाँ है वो? कौन रघु? ले चलो इसे। ठीक है सर। चलिए मैडम आइए। चलिए हर जानती हूँ। जमानत मिलने के बाद कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। आखिरी बार कब मिली थी उससे? जिस दिन उसकी जमानत हुई थी उस दिन। उसके बाद से पता नहीं कहाँ है वो। उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले हमें बताना, वरना तुम्हारे लिए सर जी ये भी तो हो सकता है कि वो रघु घर के अंदर ही छुपा हुआ हो और बाहर से लॉक करके सबको धोखा दे रहा हो। सब कुछ मेरा है।